this video you have studied about Banku Babu's book exercises. I hope you have completed your book exercises and start learning that exercises. But today I am giving you video on question answers. Okay, I am reading question and answers both. So question number one is, why did everyone tease Banku Babu? So why they were teasing Banku Babu? Because his nature was mild mannered. He never used to give any expressions to anybody. He never used to smile, never give any comment, good or bad. So he was expressionless and non-reactive. Passive. It means he is passive in nature. So you will write the answer like this. He Banku Babu, everyone teased Banku Babu as he never laughed. He used to remain positive, passive on everything. So he became center of attraction for everybody. See, in your class, आपकी क्लास में भी कोई आपको ऐसा दिखता है तो आप उसके साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं, उसके साथ मस्ती करने लग जाते हैं, उसको परेशान करने लग जाते हैं. ऐसे बंकू बाबू थे. सो वो किसी चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करते थे, वो पैसिव थे. सो सब फ्रेंड्स उनका क्या मजाक बनाया करते थे. टीज मीन्स हंसी उड़ाना. क्वेश्चन नंबर टू, हूज हाउस डिड ही गो टू ऑन वीकेंड्स? वीकेंड्स पर सैटरडे संडे को ये लोग बंकू बाबू और बहुत सारे लोग किसके घर जाते थे? सो आंसर इज, ऑन वीकेंड्स ही यूज्ड टू गो टू द लॉयर श्रीपति मजूमदार हाउस. ठीक है, बिकॉज अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, व्हाई दे यूज्ड टू गो. सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज, हाउ वाज ही यूजुअली ट्रीटेड बाय श्रीपति मजूमदार एंड हिज फ्रेंड्स? अब वहाँ उसके साथ कैसा बिहेव होता था ये पूछा उन्होंने. सो आंसर इज, ही वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली बाय श्रीपति मजूमदार एंड हिज फ्रेंड्स. दे टारगेटेड हिम, उसको टारगेट बना देते थे और फिर उसका मजाक उड़ाते थे. एंड मेड फन एट बंकू बाबू. समटाइम्स हिज अम्ब्रेला और हिज शूज वुड बी हिडन. मतलब उसके अम्ब्रेला या शूज कभी कभी वो लोग छुपा देते थे और फिर उसे परेशान करते थे. और ही वुड बी फोर्स टू सिंग, या फिर उसको फोर्स करते थे कि यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस. मतलब किसी भी वे में वे उसको परेशान किया करते थे. नाउ पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड बंकू बाबू सी इन द बैम्बू ग्रूव? बैम्बू ग्रूव मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर सिर्फ बैम्बू के ही पेड़ लगे होते हैं और वो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल जैसा, और बैम्बू के पेड़ बहुत ऊँचे ऊँचे होते हैं. ठीक है, और एकदम वुडन होते हैं, कोई लीव्स वगैरह भी कम होती है. सो एक हॉलो पाइप की तरह दिखते हैं. सो व्हाट डिड, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड बंकू बाबू सी इन द बैम्बू ग्रूव? सो आंसर इज, बंकू बाबू सॉ दैट नियर द पोन देयर वॉज अ ग्लोइंग पिंक लाइट शाइनिंग ऑन एवरी लीव एंड ब्रांच. वहाँ पर कुछ ऐसा ब्लास्ट टाइप का आया था, ऐसा छोटा सा, और उसमें से पिंक कलर की लाइट्स निकल रही थी. अ जायंट ग्लास बाउल, जैसे बाउल होता है ना आपके घर में, उसको ऐसा उल्टा करा हुआ. आपने मूवी का मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वो क्रिश वाली मूवी थी ना आपकी, ऋतिक रोशन वाली, वही सेम. ठीक है, सो ए जायंट ग्लास बाउल लाइक ऑब्जेक्ट टर्न अपसाइड डाउन वॉज देयर. ठीक है, उसने ये सब उसने वहाँ बैम्बू ग्रूव में देखा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड ही फील देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द नाइट? ही फेल्ट देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द नाइट बिकॉज द स्ट्रेंज जायंट ग्लास बाउल कवर्ड द पोन, पूरे पोन को उसने कवर कर लिया था. एंड देर वॉज अ स्टीडी मीन्स कंटिन्यूस हमिंग,
हमिंग साउंड वॉज कमिंग ऑल अराउंड, जैसे कोई मशीन में से आवाज़ निकलती है सो ऐसी हमिंग साउंड कंटिन्यूस आ रही थी। तो उसको लगा कि ये कुछ स्ट्रेंज है, नया है कुछ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट हैपेंड आफ्टर द हमिंग साउंड स्टॉप्ड। जब हमिंग साउंड स्टॉप हो गई देन व्हाट हैपेंड। आफ्टर द हमिंग साउंड स्टॉप ही नोटिस्ड दैट द ग्लास माउंड, मतलब माउंड मीन्स छोटा सा हील जैसा, सो ग्लास का ऐसा चमक रहा था ग्लास के जैसा। माउंड सीम टू बी राइजिंग एंड फॉलिंग, ऐसा ऐसा कर रहा था राइजिंग एंड फॉलिंग लाइक एज द चेस्ट, हमारी चेस्ट ऐसे कैसे करती ब्रीथ करती थी सबकी ना ऐसे हार्ट बीट जैसा, सो लाइक एज चेस्ट मूव्स ब्रीदिंग, ब्रीदिंग चेस्ट कैसे ऐसे मूव करती है ऐसे ही वो ग्लास माउंड में से ऐसे ऐसे राइजिंग एंड फॉलिंग हो रहा था। ही फेल्ट एज इफ एन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू हिज बॉडी, उसे लगा कि एक करंट जैसा उसकी बॉडी में आ रहा है। देन अ वॉइस केम शेटरिंग द साइलेंस एंड सेड लाउडली इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, तभी उसको वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई दी और जो कि कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में उससे बात कर रही थी। ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज बट ही सॉ अ वॉइस इज कमिंग फ्रॉम दैट माउंड एंड ही वॉज स्पीकिंग इन सम डिफरेंट लैंग्वेज। सो देर आर सिक्स क्वेश्चन आंसर्स, वी हैव डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स, आई विल सेंड यू पिक ऑल्सो ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर। लेट मी टेल यू अबाउट वर्ड मीनिंग एंड फ्रेम सेंटेंसेस, ठीक है। वर्ड मीनिंग आई हैव टेकन सिक्स, आई विल टेल यू द मीनिंग एंड सेंटेंसेस। ट्रेडिशन अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स विच पीपल हैव बीन फॉलोइंग, ट्रेडिशन मतलब जो हमारी संस्कृति में हम जो करते आ रहे हैं बहुत सालों से उसको अभी तक भी फॉलो करना। सो वी कैन राइट अ सेंटेंस लाइक दिस, इन एन ऑफिस देर इज अ ट्रेडिशन ऑफ वेयरिंग साड़ी। सेकेंड, टीजिंग मेकिंग फन ऑफ, सो द सेंटेंस इज शी कुडेंट रेजिस्ट टीजिंग हर सिस्टर, वो अपने आप को सिस्टर को टीजिंग करने से रोक नहीं पाती थी। स्पेसिमेन मीन्स सैम्पल, सो ऐसा नहीं है कि बेटा कि जो सेंटेंस मैंने फ्रेम करके दिए वही आप लिखें, अगर आपको उससे छोटे और आपको डिफरेंट सेंटेंस लिखना हो बट इट शुड बी करेक्ट। स्पेसिमेन सैम्पल सेंटेंस, देर वॉज सो मेनी स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट्स इन द म्यूजियम, सो इसका क्या मतलब है, म्यूजियम में बहुत तरीके के प्लांट्स के स्पेसिमेन मीन सैंपल्स रखे हुए थे। अब सेंटेंस नेक्स्ट इज म्यूजियम अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर प्रिजर्व, हम पहले के ज़माने की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखते हैं, वो हिस्टोरिकल भी हो सकती है और किसी किंग और उनकी क्वींस की टाइम की भी चीज़ हो सकती है, या हमको हिस्ट्री से मिले बहुत सारी चीज़ें हैं वो उनको रख सकते हैं। सो सेंटेंस इज वी आर प्लानिंग टू विजिट म्यूजियम ऑन दिस सैटरडे। शैटरिंग ब्रेकिंग सडनली द ग्लास शैटर्ड व्हेन आई ड्रॉप्ड, ठीक है नहीं म्यूजियम का तो ये म्यूजियम अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर प्रिजर्व, सो सेंटेंस इज वी आर प्लानिंग टू विजिट म्यूजियम ऑन दिस सैटरडे। नाउ नेक्स्ट इज शैटरिंग मतलब ब्रेकिंग सडनली, सो सेंटेंस इज द ग्लास शैटर्ड व्हेन आई ड्रॉप्ड। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इज अनयूजुअली, सो सेंटेंस इज व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स टू से, और आप ऐसा भी बना सकते हैं व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सेंटेंस यू टोल्ड मी, ठीक है। Anything you can frame sentence of your own but the meaning should be correct and grammatically no mistake will be there, okay. So we have discussed word meaning, framing of sentences, question answers we have discussed. Now I will send you pics along with the video, okay. Till then have a nice day, goodbye.